library. One of the largest Asian library. So let's go to explore this library. ये जामिया की खूबसूरती ये देखिए, आप देख सकते हैं इधर की खूबसूरती, जामिया के लोग। और हम जा रहे हैं इस तरीके से, आप यहाँ से जा सकते हैं। और जामिया में आने के बाद जो आपको फील आती है ना गाइस, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल की फील होती है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और मास्टर्स कर रहे हैं भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना छुट्टे पीछे कोर्स कर रहे हैं हम। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे जो है ना जामिया के पूरे फायदा उठा रहे हैं, मतलब पूरे पार्क का फायदा उठा रहे हैं, और अच्छी खासी धूप हो रही है और मजे ले रहे हैं। और फिलहाल तो हमें काम के लिए भेजे गए, लेकिन हमने सोचा चलो इसी बहाने ब्लॉगिंग भी कर लेंगे। तो हम आ चुके हैं शमापी के साथ, लाइब्रेरी जा रहे हैं। गेट नंबर 7 से एंट्री करने के बाद आपको डायरेक्ट मिलेगा सामने सीधे, किसी से भी पूछिए, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ जामिया आपको दिख जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी। और ये देखिए प्यारा सा, मतलब प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। Let's go inside. I'll show you all the beautiful pieces in the Jamia. So, हम जा रहे हैं ये प्यारा सा library. You can see. After Zakir Hussain. Yes, we can go. Guys, जैसे अभी हमें enter करेंगे, you will see this property counter है. यहाँ पे bags रखने के लिए है. बहुत ही प्यारा सा ग्राउंड फ्लोर, यू कैन सी फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर। इसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे हीरोज ऑफ जामिया, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत हमारी जामिया की प्यारी से। और जामिया पूरे इंडिया के हीरोज हैं यहाँ पे, साथ में सी दिस इज अ नोटिस बोर्ड। यहाँ पे हमारे गार्ड अंकल हैं, हेलो अंकल। And guys, then you can see this is the big झूमर, बहुत ही लाइटिंग, लाइट जलती है इसकी, लाइट जलती है, लाइट भी जलती है इसकी। तो गाइस दिस इज द झूमर, यहाँ पे आप आ सकते हैं। इस तरफ आपको दिखेगा जामिया का एक प्यारा सा, क्या बोलते हैं आप इसको, डेमो बेसिकली, पूरी जामिया का कैंपस। वाओ, सो ब्यूटीफुल पॉलीटेक्निक बिल्डिंग। यहाँ से आप आएंगे तो न्यू सेंट्रल लाइब्रेरी वाले एरिया है, इतना सुंदर बना हुआ है यार भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। देन यू कैन सी दिस प्लेस विच इज दिस अवार्ड डिजिग्नेशन टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया। एंड इसके बाद यहाँ पर आएंगे, सामने आ देख सकते हैं ये प्यारा सा आयत यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत ही प्यारा। साइड ऑफ लेफ्ट में आएंगे, यू कैन सी ऑल द वाइस चांसलर्स एंड फाउंडर्स ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अभी तक जो है, अभी हमारी नजमा सर मैम है, वो भी है यहाँ पर, यहाँ पे है माशाल्लाह। और ऊपर आपके फाउंडर कंटिन्यू सब जामिया भी दिखेंगे। एंड देन यू कैन सी यहाँ पे भी, हाँ चलते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा इधर भी चलते हैं। दिस साइड इज हेल्प डेस्क, यू कैन सी द मेम्बर ऑफ शिफ्ट काउंटर्स, बुक्स, रिटर्न काउंटर्स, ऑल आर दिस दिस एरिया। यहाँ पे आपके फिर बेस्ट सेंटर्स है, बस इशू टाइमिंग से डॉन बुक्स, आगे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, ऑनर्स ऑफ जामिया, ये बहुत सारे अवार्ड आप देख सकते हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मिला है। एंड देन चलते हैं, अब हम चलेंगे ऊपर, बहुत ज़्यादा सुंदर है यार गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी चलेंगे तो इस तरीके से, कि सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत सुंदर है, अभी निकलेंगे ऊपर। ये गार्डन अंकल भी एक्साइटेड है, क्योंकि अंकल की भी शूटिंग चल रही है, तो बैग रखेंगे यहाँ पे और फिर चलते हो। इस बैग को यहाँ पे देना पड़ता है, सबमिट करना होता है, एंड दे विल गिव यू अ टोकन। अभी फिलहाल मेरे हाथ में ये टोकन है, 136 नंबर का टोकन। अंकल ये 136 वाले के साथ रख लीजिए, आई कैन कीप ऑल द बैग्स हियर, बहुत ही प्यारी सी जगह है, अच्छा है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, ऊपर ऊपर की वीडियो बना के आते हैं जैसे ही मैं, अच्छा यहाँ पे एंट्री करनी होगी इन भैया के, यहाँ पे इस टेबल पे यू हैव टू एंट्री, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे
सीधे ऊपर। तो अभी हम साइड में भी घूमेंगे, एग्जीबिशन हॉल्स यू कैन सी, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। यहाँ पे आप देखो टेबल चेयर्स, और बच्चे कितने साइलेंटली पढ़ रहे हैं भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। फिर चलेंगे, दिस इज़ द अर्निंग सेंटर, लर्निंग सेंटर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। ये भी एक सेंटर है जहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह दिख रहे हैं। देन यू कैन सी दिस साइड इज, कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता। अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही। आइए थोड़ी देर को दिखा दो। एंड यहाँ पे अंदर यू कैन सी द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी इसलिए मैं बहुत साइलेंट हूँ। डोंट सेट द कॉरिडोर, लेकिन फिर भी बच्चे बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सो उनका काम होगा। डोंट ब्लॉक द कॉरिडोर, फिर ब्लॉक है, कोई बात नहीं, ये भी कोई बात नहीं भाई, बहुत ही मस्त है। एंड दिस इज़ द लेवल और जहाँ स्टूडेंट्स आर डूइंग स्टडिंग है। यहाँ पर रेफरेंस इन थीसिस एंड रिसर्च डिविजन इज दिस इन दिस एरिया। बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, आज हम ऊपर आते हैं और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट। एंड गाइस दिस इज़ द रीडिंग हॉल ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया, आप देख सकते हैं बच्चे पढ़ाई करने में लगे हुए, भाई साहब इतनी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई। तो बस कोई नहीं, जामिया इज़ फेमस फॉर इट्स एजुकेशन, तो जाहिर सी बात है बच्चे भी एजुकेटेड होंगे। और शमा भी मेरा साथ दे रही है, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ऑल्सो टू विजिट दिस सेंट्रल लाइब्रेरी। से पहले मैं दो बार आई हूँ बट मुझे एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन फाइनली बींग द स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया मुझे एंट्री मिल चुकी है, एंड आई हैव द लाइसेंस टू यूज़ लाइब्रेरी। और यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स दिखेंगे, जो अभी न्यू न्यू रीसेंट बुक्स आई हैं तेलुगु डिफरेंट लैंग्वेजेस में, भाई सब अलग ही बना है ना। आज अक्सर ऊपर चलता है, बिकॉज यू कैन सी दीज आर द न्यू बुक्स जो अभी अभी जामिया में आई हुई हैं, इंडिया फ्रीडम स्टोरी, और इतनी अच्छी बुक्स, इतने अच्छे राइटर्स की बुक्स, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा भाई साहब, ये तो जामिया है भाई, नेक्स्ट लेवल, मज़ा आ रहा है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट, उधर चलते हैं ना उस तरफ। दिस एरिया इज़ बेसिकली स्टेयर्स, योर हैंड हैंड स्टेयर्स हैं, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। एंड दीज आर द वॉशरूम एरियाज, लिफ्ट भी, लिफ्ट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द। एंड ये देखिए हमारी प्यारी सी आंटी, थैंक यू आंटी। दिस आर द आर्ट आर्ट, वाह कितना प्यारा लग रहा है। दिस इज़ डन बाई आमिर खुशरू, हु इज स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, कितनी प्यारी सी कैलीग्राफी करी है बेसिकली उन्होंने। देन यू कैन सी द ग्राउंड फ्लोर इज़ बेसिकली फॉर मेम्बर काउंटर्स, ऑनलाइन कैटलॉग्स, हेल्प डेस्क, सर्कुलेशन, दिस इज़ ऑल्सो। अब चलते हैं हम लिफ्ट में, और लिफ्ट से हम चलेंगे ऊपर सेंटर। एंड गाइस वी आर हेयर एट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ जामिया सेंट्रल लाइब्रेरी, अभी हम चलेंगे ने यहाँ पे क्या क्या है वो भी घुमाएंगे। आ जाइए अभी, लेट्स गो। यहाँ पे देखते क्या है, यहाँ पे बहुत ही साइलेंटलीज यहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ हो रही है भाई साहब, डिजिटल सोर्सेज रिसोर्सेज ऑफ सेंटर्स, यहाँ पे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यू कैन सी द टाइमिंग्स ऑल्सो, बहुत प्यार लग रहा है यार, और ये देखो क्या व्यू है यार, लाइब्रेरी हो तो ऐसे वरना हो ही ना। ये देखो बच्चों यहाँ पे देखो एक्सेस मिल रहा है, लैपटॉप कंप्यूटर्स का भी, सर्वर रूम, कॉरिडोर्स, क्या वाइब है यार इस लाइब्रेरी की बताओ। और ये प्यारी से फोटो लेंगे। एंड गाइस दीज आर सो ब्यूटीफुल लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं रियर रिजर्व्ड जामिया ऑथर्स टेक्निकल प्रोसेसिंग की भी डिपार्टमेंट है, अलग-अलग सब कुछ, कितना अच्छा है यार, सो नाइस यार, सो नाइस। सो गाइज अगर आपको यहाँ पे एक्सेस लेना है तो यू मस्ट गेट एडमिशन इन जामिया मिलिया इस्लामिया, देन ओनली यू कैन एक्सेस द जामिया लाइब्रेरी। क्योंकि यार देख ही रहो यहाँ की बात ही अलग है, यहाँ यू कैन सी ऑल द मैन्यूस्क्रिप्ट्स बुक्स। अब इस बार हम यूज़ करेंगे स्टेयर्स और चलेंगे ऊपर, आ जाओ इधर ही है, यहाँ से चलेंगे ऊपर, ऊपर चल के प्यारी सी लाइब्रेरी। एंड गाइस दिस इज द रीडिंग हॉल, दीज आर द बुक्स विच आर अवेलेबल ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया।
गाइस, बस यहाँ पे मैं माशाल्लाह बहुत सारा घूम लिया और देख लिया। अब चलते हैं हम बाहर और निकलते हैं यहाँ से। उम्मीद करते हैं कि आपको भी मेरा व्लॉग पसंद आया होगा जामिया का और जामिया की लाइब्रेरी। अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं किसी वजह से, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मी, तो गाइस मैंने यहाँ पर अपने बैग लूँगी और अब चलूँगी। होप यू हैव लाइक माई वीडियो और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगी कि आप लोग भी जामिया में एडमिशन लें और जामिया की सेंट्रल लाइब्रेरी का मज़ा लें इंशाल्लाह। तो बस यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करूँगी। मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। उससे पहले मैं जामिया का एक बार और व्यू दिखा दूँगी बाहर से। ये देखो आप। तो बस लाइक शेयर एंड कमेंट।